बेसिक से संगीत कैसे सीखें? अभी अभी सीखना शुरू किया है या फिर अभी अभी आए हैं गुरुजी के पास कि हमें संगीत सीखना है, गुरुजी कुछ बताइए। तो यही सवाल ज़्यादातर आता है कि बेसिक से कैसे सीखा जाए, एकदम ज़ीरो से शुरू करना है। आज ये पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो इसी ही से रिलेटेड कई सारे सवाल हैं जिनकी हम खोज करेंगे उनके जवाबों की। बेसिक से कब तक आ जाएगा, कितना सीखना ज़रूरी है, दिन में कितना करना है, क्या हारमोनियम होना ज़रूरी है, ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इस एक ही सवाल के अंदर छुपे हुए हैं लेयर बाय लेयर। तो पूरा वीडियो देखिए और एक एक लेयर को खोलते हुए एक एक सवाल का हल हम करने जा रहे हैं। काम की बात मैंने की ही नहीं, काम की बात मैंने की ही नहीं। सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, संगीत प्रवाह वर्ल्ड, म्यूजिकल बडीज, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस, संगीत धरा, ऐसे हमारे कई और चैनल्स भी हैं। अगर आप जाकर देखेंगे फीचर्ड चैनल्स में तो आपको मिलेंगे, उन्हें सब्सक्राइब करें क्योंकि शास्त्रीय संगीत का हम लोग काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रमोशन हम लोगों का आप ही लोग कर सकते हैं, जो अच्छे विद्यार्थी हैं वही कर सकते हैं क्योंकि शॉर्टकट्स हम बता नहीं रहे, उलझुलूल अजीबोगरीब तरीके हम बता नहीं रहे, तो अपने आप तो हमारा प्रमोशन हो नहीं रहा है। आप ही लोगों को थोड़ी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए अरेंज कर करके अच्छा से अच्छा संगीत लेकर आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे ना कि वो और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जो लोगों की गलत फहमियाँ हैं वो सुलझें, ठीक है। तो प्लीज़ आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कॉमेंट किया करें हमारे वीडियोज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे बुरे कैसे भी जो आपको लगे कॉमेंट किया कीजिए, उससे एंगेजमेंट बढ़ जाता है। अब आ जाते हैं अपने सवाल पर, बेसिक से संगीत आपको सीखना है। सबसे पहले तो वाद्य यंत्र आपके पास नहीं है, मान लीजिए हारमोनियम है ही नहीं, क्या तब सीखा जा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक तबला भी नहीं है आपके पास, क्या तब भी आप गाना गा सकते हैं? तानपुरा भी नहीं है आपके पास। आज की तारीख में सीखना इतना आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस ज़रूरत है आपके अंदर के उस जज्बे की, उस खोज की, उस जिज्ञासा की। अगर आप में है तो ज्ञान का भंडार है इंटरनेट। आज इंटरनेट के माध्यम से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, इनफैक्ट घर बैठे क्या कुछ नहीं कर सकते आप। घर बैठे जब भूख लगी जो मन किया आपने खाने का मंगा लिया, कुछ पहनने का मन किया, अच्छा पहनना है, ये पहनना, वेस्टर्न पहनना, इंडियन पहनना है, तुरंत ऑर्डर कर दिया, मूवी देखनी है तुरंत सर्च कर लिया। तो इंटरनेट का इस्तेमाल हम फर्जी चीज़ों के लिए कर रहे हैं, मतलब ये सारी फर्जी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी फर्जी हैं, मगर ज़्यादातर हम ऐसी चीज़ें जो हमारी सहूलियत के लिए हैं हम उसके लिए ही तो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छी चीज़ों के लिए कर रहे हैं। आप उनमें से एक बन सकते हैं। आप अपने लिए घर बैठे निशुल्क शास्त्रीय संगीत बेसिक से सीख सकते हैं, इनफैक्ट दूजों को भी सिखा सकते हैं, जितने आपके नोन में हैं सबको आप दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। घर बैठे इतना सरल कर दिया है, यंत्र नहीं हो तो भी हो जाएगा ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कोशिश हमने यही की है कि यंत्र आपके पास हारमोनियम ना भी हो तो भी ज़्यादा से ज़्यादा काम आपका सुलझ जाए, ऐसी सुविधाएं हमने जुटाई हुई हैं। बेसिक से सीखने के लिए सबसे पहले इस वर्ड बेसिक के ऊपर जाना पड़ेगा कि बेसिक में आता क्या क्या है। क्या बीसियों रागें सीखनी पड़ेंगी? क्या शास्त्रीय संगीत के डिटेल में जाना पड़ेगा? बिना शास्त्रीय संगीत की गहराई जाने क्या नहीं होगा काम? तो हाँ भी और ना भी, डिपेंड करता है कौन सा जॉनर आपको पसंद आया है। इंस्पिरेशन लेते हैं, हमने कहीं फिल्मी गाना सुना, कहीं प्रोग्राम सुना, अच्छा लगा, हमें भी वो चाहिए, तो अब उसकी खोज में हम निकल पड़े हैं कि यार इस प्रकार का गाना मुझे भी आना चाहिए, तो कैसे आएगा? तो आप एक संगीत के गुरु के पास गए, आपने उनसे बातचीत करी, आपने पूछा कि कैसे हो सकता है ये कि भाई इस प्रकार का गाना हमें भी आ जाए, कि भोजपुरी सिंगर बनना है, कि फिल्मों में गाना है, या फोक सिंगर बनना है, राजस्थानी किसी भी प्रकार का सिंगर आपको बनना है, वो आपके आपने सुना और आपको सीखने की इच्छा हो गई। जिस प्रकार से कोई सी भी भाषा सुनते ही हमें लगता है बड़ी खूबसूरत भाषा है यार, उर्दू फारसी सीखनी है, बड़ी
नर्म कोमल लगती है कानों को। यार संस्कृत, संस्कृत सीखनी है। हमारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए हैं और मंत्रोच्चारण और वो महाकाव्य लिखे हुए हैं, मुझे भी सीखना है। फ्रेंच बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, यार मैं भी फ्रेंच बोलनी है मुझे भी। तो ज़रूरत मुताबिक कम और शौक मुताबिक ज़्यादा व्यक्ति विषय में आता है। आप लोग संगीत में आए तो ये नहीं कि आपकी ज़रूरत है वो, नहीं, क्योंकि शौक है, अच्छा लगा, सबसे पहले तो शौक ही होता है, अब वो लालसा जगरी कैसे हो जाए। तो आप एक डॉक्टर के पास आए हैं अपनी बीमारी लेकर, ये समझ लीजिए कि आपको कीड़ा लग गया है संगीत का, कि अब इसका इलाज जो है डॉक्टर साहब आप बताइए। अब यहाँ हम भूल कर बैठते हैं कि हम डॉक्टर साहब के मुताबिक नहीं चलना चाहते, हम चाहते जो अपने मुताबिक हैं वही करना, लेकिन मिल हमें वो जाए जो हमने देखा सुना। हमें भी एक्टर बनना है, शाहरुख खान साहब को देख लिया, हमें भी एक्टर बनना है, पंकज त्रिपाठी जी को देखा, मनोज वाजपेयी जी को देखा, फिल्मों में काम करते देखा, अभिनय देखा, हमें भी वो करना है। लेकिन उस कड़ी तपस्या से गुजरने के लिए हम अब तैयार होते नहीं हैं। जैसे ही मालूम चलता, अच्छा इतना कुछ करना पड़ता है क्या, क्रिकेट खेलने के लिए, धोनी बनने के लिए ये मेहनत लगती है, रहने दो भाई, हम तो घर में ही ठीक हैं, तुरंत हम एक कदम पीछे आ जाते हैं। तो बेसिक से संगीत सीखने के लिए बेसिक जानना ज़रूरी है, और बेसिक में सबसे पहले स्वर, लय, ताल, ये तीन चीज़ों की समझ आती है। स्वर यानी साउंड, वो पिच, लय यानी वो गति, वो स्पीड जो गाने में आपने सुनी, और ताल यानी वो रिदम साइकिल जो उसके पीछे चल रही थी, इन तीन के ही समावेश से संगीत बनता है। तो स्वर में आप अलंकार सीखते हैं, आप सबसे पहले जानते हैं सात स्वर कौन कौन से होते हैं, और फिर वो सात सुर 12 स्वर में कैसे तब्दील होते हैं, वही 12 स्वर फिर आगे जाके अगर आप ढंग से सीखें तो श्रुतियों में तब्दील होकर आपको समझ आते हैं। वैसे तो श्रुतियाँ वो सात सुरों से ही शुरू हो जाती हैं कि सा की श्रुति इतनी है, सा लगाया तो हम कह देते हैं अरे बेसुरा हो रहा है, तो वो बेसुरा क्या है, वो श्रुति में ही बेसुरा है कि सा थोड़ा सा उतर गया, थोड़ा सा चढ़ा हुआ लगना चाहिए। लेकिन मैंने ये जो सा पहले सात सुर 12 सुर और 22 श्रुतियाँ बताई है, इस क्रोनोलॉजी में इसीलिए बताई क्योंकि अगर मैं पहले ही दिन आपको श्रुतियों का ज्ञान देने लग गया तो आप समझेंगे भैया इतना तो हमसे नहीं होगा, आप तो बहुत डिटेल में जा रहे हो, ये आ जाता है। इसीलिए मैंने क्रोनोलॉजी ये रखी कि पहले सात सुर, फिर 12 सुर, फिर श्रुतियाँ, क्योंकि पहले ही दिन मैंने आपको 12 सुर भी सिखा दिया ना, तब भी आप कन्फ्यूज हो जाओगे, यार इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो, हम तो सिर्फ फिल्मी गाने गाने आए हैं, समझ रहे हैं, इसीलिए। वरना ऐसा नहीं है कि कुछ ये गहराई बाद में जानने की, नहीं, वो गहराई पहले दिन से होती है उस स्वर में, लेकिन बताते बाद में है क्योंकि उसे झेलने की क्षमता, वो जो जिगरा है वो हमें डेवलप बाद में होता है। फिर आप लय के बारे में जानते हैं कि अलग अलग प्रकार की गतियाँ होती हैं, ठाह, दो गुन, तीन गुन, ये जो आपने नाम सुने होंगे, जो लय और लयकारी का फ़र्क है वो जानते हैं। फिर अलग अलग तालों को जानते हैं, ताल पक्ष भी जानना ज़रूरी है। ये वो चीज़ें हैं जो शास्त्रीय संगीत की गहराई है, ऐसा नहीं है, ये संगीत की मूल बातें हैं। तो जो कहते हैं ना बेसिक से संगीत, तो बेसिक सीख लेना ही बहुत होता है, उसके बाद कहते हैं ना शास्त्रीय संगीत का बेस तैयार हो जाए, बेसिक हो जाए, फिर हम फिल्मी सीखें। गाने में टेक्निक और ताकत, ये दो चीज़ें होती हैं। ताकत यानी स्ट्रेंथ आपके गले में कितनी है, एक्सरसाइज आपने कितनी करी है, रियाज की जो हमने बारीकियां जो तरीके बताए वो कितने फॉलो किए हैं, वो तो आ जाती है ताकत डेवलप करने के लिए, एक्सरसाइज वो वाली हो जाती हैं। लेकिन इसी के साथ आती है टेक्निक, टेक्निक में आता है स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट कि उस चीज़ का कैसा है। यानी आप फिल्मी गाने जा रहे हैं तो स्वर लगाने की टेक्निक अलग होगी, लेकिन रियाज वही करना पड़ेगा, उसी से ताकत डेवलप होगी। हाँ, उस रियाज की इंटेंसिटी बदल सकती है कि उतना वज़न के साथ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा गला जो है वो फिर क्लासिकल का बन जाएगा, आवाज़ का लगाव क्लासिकल का हो जाएगा, है ना, तो वो ज़रूर है। लेकिन एक ही बात बोलूँगा, इन सारी बातों का निचोड़ एक ही बात में आता है, विधिवत ढंग से एक गुरु के सानिध्य में जाकर सीखना। ऑफलाइन हो तो सबसे बेहतर, न हो पाए तो ऑनलाइन भी उतनी ही ईमानदारी से काम करना। ऑनलाइन को बिल्कुल भी यूं ना ले लेना, यार ये तो ऑनलाइन है, यूं ही हो जाएगा, ये मानसिकता हटाना ये सबसे पहले ज़रूरी है। सीखने से पहले ये सीखें कि सीखा कैसे जाता है, ऐसा मेरे पिताजी ने हम सभी लोगों को सिखाया है। सीखना तो हम सब चाहते हैं लेकिन कैसे का जवाब हमारे पास नहीं है, गलत वे अपना लेते हैं, जो गुरु बताते हैं उसको उतना करते नहीं जितना उन्होंने बताया,
इसीलिए नहीं आता है, वरना आने को इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। आपको क्या चाहिए? एडवांस रियाज चाहिए? संगीत प्रवाह वर्ल्ड पर है। ढोलक, तबला, गिटार, सितार, वॉयलिन, फ्लूट, किनके लेसन्स चाहिए? सब संगीत प्रवाह वर्ल्ड पे अवेलेबल है। हारमोनियम सीखना है? अवेलेबल है। दिन का कितना घंटा आप रियाज को देंगे वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितना क्षमता रखते हैं, मानसिक और शारीरिक और समय के पक्ष में, तीनों, है ना भाई। शारीरिक रूप से भी तो एक होता ना कि गला कितना चलेगा। आप आधा घंटा ही रियाज कर सकते हैं तो आधा घंटा दीजिए, है कि नहीं। लेकिन उसके अलावा भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें, सिलेबस भी तो सीखना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं सिलेबस वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, आप सोचते हैं संगीत में पढ़ाई थोड़ी करनी हमको, हमें तो बस शौकिया रूप से सीखना है। लेकिन शौकिया रूप से भी सीखना अगर है, ये जो सीखना शब्द आ जाता है, तो इसमें पाठ्यक्रम आता ही आता है। और उस पाठ्यक्रम में सबसे पहले स्वर, लय, ताल, ये तीन चीज़ें आती हैं। स्वर में अलंकार, 10 थाट, 12 पिच की नॉलेज, ये लेना ज़रूरी है। गायन में भी, और अगर हारमोनियम लेना चाहो तो हारमोनियम के साथ भी। लय में 8 प्रकार की लयकारियाँ, जो ताल की जातियाँ होती हैं वो जानना सबसे अहम है। और तालों में जो मुख्य प्रचलित ताले हैं वो तो एटलीस्ट आप सीख ही लीजिए, जैसे कि दादरा, रूपक, कहरवा, झपताल, एक ताल और 3 ताल। ये 6 तालें 8ों प्रकार की लयकारियों में एटलीस्ट हो जाए। 8 नहीं सही, कम से कम 2 गुण, 4 गुण और 3 गुण में तो कर ही लेना। ये आपकी फिल्मी में भी काम आती हैं, क्लासिकल में भी काम आती हैं। एटलीस्ट बेसिक इतना तो कर लेना। और स्वरों में भी अगर 10 पेज के अलंकार, जो स्वरांगिनी हमारी किताब के हैं, उतने न हो तो कम से कम 7 अलंकार तो समझ लेना। और उन 7 अलंकारों को 10 थाटों में तो कर ही लेना। और रागें अगर बहुत ज़्यादा न सीखो, 10 सीख लो बस हैं, काफ़ी हैं, क्योंकि वही 10 आश्रय रागें जो हैं वही जन्य रागों को जन्म देती हैं। जितनी आगे आने वाली रागें, सबका काम वो 10 रागें आपके लिए कर देंगी। तो ये कुछ बेसिक है। उसके अलावा यही बोलूँगा कि प्रॉपर क्लास ज्वाइन करो, उससे मत घबराओ। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो क्लास ज्वाइन कर लो, और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, तब भी आपको बताएंगे। प्लेलिस्ट दे दी है, ईमानदारी से, सेल्फ डिसिप्लिन से खुद को बिठा सकते हो तो फिर वहाँ आप जाना होगा आपको, उन प्लेलिस्ट का सहारा लेकर। प्लेलिस्ट से सीखा जा सकता है, लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, कर नहीं पाते हो, डिसिप्लिन में आ नहीं पाते हो, करना भी चाहते हो तब भी उसके लिए गुरु का सहारा लगता ही है। तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, ग्रुप क्लासेस हो रही हैं उस पर, वहाँ आ जाओ, मेरी पर्सनल क्लास ज्वाइन कर लो। वो भी ना हो, कुछ भी अफोर्ड ना कर सको, तो यूट्यूब पर बस इस प्लेलिस्ट का सहारा लेकर शुरू हो जाओ सीखना, सब काम हो जाएगा। खुद की डायरी, खुद की कॉपी, नियम से बैठो, रोज़ का समय दो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कुछ बातें मैं लाता रहता हूँ, ऐसे ही फिर से मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक को लेकर। लेकिन हाँ, विधिवत ढंग से बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा, ये मैं पहले ही बता दूँ।